हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में। गाइस, बेबी डोज कॉइन रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स अभी फिलहाल में निकल के आई है, जो कि हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक भी पार्ट मत करना, क्योंकि गाइस बेबी डोज कॉइन रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ निकल के आई हैं और साथ ही साथ बहुत सी बड़ी बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जो मैं आपको साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो गाइस चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं अपने बेबी डोज कॉइन की न्यूज़ के बारे में और साथ ही में कुछ जानकारी भी लेंगे। अगर आप होल्डर हैं के कॉइन के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसके अभी आप देख सकते हैं 1% के अराउंड में 1 डे के अंदर पंपिंग करते हुए दिख रहा है। तो गाइस चलिए, अभी ग्रीन ग्रीन में कम से कम है, रेड रेड तो नहीं दिख रहा है, भली पंप कुछ नहीं है, तब भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं न्यूज़ के बारे में। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अपना प्यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा बेहद ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए डेली ऐसी अपडेट्स का शेयर करते रहूँगी। और ऐसी डेली कॉइन्स की अपडेट्स के लिए जो जो कॉइन्स अभी फिलहाल में निकल रहे हैं और ऐसी कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सको कॉइन्स के साथ, तो गाइस वो सब चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस अपडेट्स का सबसे पहले फ़ायदा उठा पाओगे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस मंडे यू कैन प्ले बेबी डोज चेस ऑन टेस्टनेट, यानी कि बेबी डोज का जो चेस आने वाला था टेस्टनेट पर, वो यहाँ पर आज की डेट में यानी कि मंडे की डेट पर यहाँ पर लाइव हो चुका है। तो गाइस ये आप देख सकते हो, गेम कमिंग टू टेस्टनेट, टेस्टनेट पर जो ये गेम जो कि है चेस, वो आ चुकी है गाइस, जो कि बेबी डोज की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, डू यू वॉन्ट बेबी डोज टू बर्न 70% ऑफ इट्स सप्लाई, क्या आप ऐसा चाहते हो कि बेबी डोज 70% अपनी सप्लाई को बर्न कर देगा। इस ऑब्वियस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इससे जो है बेबी डोज को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, बेबी डोज का प्राइस बढ़ेगा, बेबी डोज की फाइनेंस लिस्टिंग भी हो जाएगी इतनी ज़्यादा बढ़ने के बाद। तो गाइज हम लोग तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी बर्न करें, बट न्यूज़ आने की देरी है, ये लोग कब पम्प करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, टुडे इज़ द डे, यानी कि आज वही दिन है जिस दिन यहाँ पर चेस जो कि है टेस्ट नेट पर, यहाँ पर चेस जो है गेम यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो गाइज यही अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेलिब्रेट नेशनल रिलैक्सेशन डे विद बेबी डोज, टेक अ ब्रेक, कडल अप एंड एंजॉय द क्यूटनेस ओवरलोड, यानी गाइज नेशनल यहाँ पे डे चलते हुए आपको दिख रहा है, रिलैक्सेशन डे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, बेबी डोज हर एक दिन मिलाते हैं, कोई भी दिन हो, ये लोग जो है हर एक दिन इनके द्वारा मनाया जाता है, जैसे कि साथ साथ में नेशनल रिलैक्सेशन डे आया तो इन्होंने ये भी मनाया बेबी डोज के साथ, जो कि आप इस फोटो के द्वारा देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इथेरियम के जो को फाउंडर है, उन्होंने जो है यहाँ पर 600 इथेरियम ट्रांसफर किए हैं, यानी कि $1 million ट्रांसफर किए हैं कहाँ पर, तो कॉइन बेस पे या और मंडे के दिन। तो गाइस यहाँ से आप सिंपली समझ सकते हो, बेबी डोज ने इसको आगे बढ़ाया है, इंस्टीट्यूट को, यानी कि इस इन्होंने जो है रीट्वीट किया। तो गाइस इससे आप कुछ ना कुछ हिंट कर सकते हो कि शायद बेबी डोज रिलेटेड कुछ बातें होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इथेरियम के को फाउंडर ने $1 million यहाँ पर कॉइन बेस को सेंड किए हैं मंडे के दिन, जो कि आज के दिन इसमें कुछ हुआ भी है। तो गाइस इन्होंने बेबी डोज ने यहाँ पर रीट्वीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, सेलिब्रेट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो गाइस ये तो हर एक दिन सेलिब्रेट करते, तो ये लोग हर एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज है वर्ल्ड का, जो कि 19 अगस्त को था, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, स्प्रेड लव काइंडनेस एंड कंपैशन टू नीड टू चूज इन नीड, लेट्स मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। तो गाइज बहुत बढ़िया लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, यानी कि यहाँ पे इनका एक लाइन इन्होंने गजब वाली बनाई है कि शॉर्ट टर्म में पेन तो हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में गेन होने वाला है, जो कि CZ बाइनेंस के द्वारा होगा, यानी कि बाइनेंस लिस्टिंग से होगा। गाइज ये तो सिंपल पता चल रहा है यहाँ पे। तो
तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि शॉर्ट टर्म में पेन हो रहा है बट लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बढ़िया वाला गेन कराने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप हाईलाइट मीम टोकन्स में थर्ड नंबर पे अपना बेबी डोज आते हुए दिख रहा है। अब बात रही बाइनेंस की, तो गाइस बाइनेंस पे कब तक लिस्ट होगा, तो अभी फिलहाल तो कोई भी न्यूज़ नहीं है, यानी कि कोई खबर भी नहीं आ रही है, थोड़ी स्मेल भी नहीं फैल रही है कि क्या ये लिस्ट करेगा। तो गाइस अभी बिल्कुल भी चांस नहीं है इस पर लिस्ट करने का, तो अभी उम्मीद नहीं रखो, 2-3 महीने बाद देखा जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, आगे कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।